السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे. अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को खैर वाफियत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए. बच्चों, उससे पहले वीडियो के अंदर हमने आपको शेप्स ऑफ द लेटर शेप्स ऑफ द लेटर के अंदर फर्स्ट कैसा होता है, मिडल कैसा होता है, लास्ट कैसा होता है और सेपरेट कैसा होता है, ये हमने आपको बता दिया था. और ये भी आपको मैसेज दिया था कि सिक्स लेटर उसके अंदर नेगेटिव है, यानी अलीफ से लेकर या तक जो शेप्स ऑफ द लेटर है उसके अंदर सिक्स लेटर नेगेटिव है, जिसमें से अलीफ, दाल, ये लेटर ऐसे हैं कि उनका फर्स्ट और मिडल शेप नहीं आता है. यानी ये अगर किसी वर्ड के मिडल में भी आते हैं या फर्स्ट में भी आते हैं तो या तो वो फर्स्ट में आते हैं तो सेपरेट लिखे जाते हैं, या अगर किसी वर्ड के मिडल के अंदर आते हैं तो ये लास्ट शेप के अंदर लिखे जाते हैं, वो मिडल शेप के अंदर लिखे नहीं जाते. ओके, तो स्वाद और बहुत तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका था. आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो और वैन, ये चार लेटर हम यहाँ पर सीखेंगे. तो सबसे पहले आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, अरबी के टॉपिक शेप्स ऑफ द लेटर है. हम कौन सी क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं? क्लास सेकंड है हमारा. जो लेसन नंबर है वो लेसन नंबर है ए. लेसन नंबर ए हम यहां पर लिखेंगे शेप्स ऑफ द लेटर. और हमने आपको ये भी मैसेज दिया है कि अगर आप न्यू पेज के ऊपर लिख रहे हैं तो ऑन साइड आपको जो लेटर आप राइट करेंगे, चाहे शेप्स ऑफ द लेटर हो, चाहे वर्ड मीनिंग हो, चाहे अल्फाबेट हो, वन वन लाइन लिख करके आपको लिखना है. आप कंटिन्यू नहीं लिखेंगे, मींस एक लाइन के बाद दूसरी लाइन के अंदर नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको एक लाइन के बाद दूसरी लाइन छोड़ देना है. यहाँ लाइन मैं नहीं छोड़ूंगा इसलिए स्पेस कम है. आपको हर वक्त जब भी लिखेंगे लाइन लिख करके लिखना है. तो तौ का फर्स्ट सेंट कैसा आता है? ये आफ्टर लाइन होती है, यानी जो हम तो आया करते हैं उसके बाद में लाइन हम यूज करते हैं छोटे. इस तरीके से पॉजिटिव राइट होता है हर लेटर का, कि वो बाद में लेटर से आएगा, सिर्फ लाइन यहां पर छोटे भी उसको कहा जाता है. क्या कहते हैं? लास्ट एक फर्स्ट से, कौन सा सिर्फ है? फर्स्ट. आफ्टर मीडियम से, मीडियम से बिफोर एंड आफ्टर लाइन, यानी पहले भी लाइन होती है और बाद में भी लाइन होती है. यानी ये
इसलिए हर लेटर का लास्ट सी अपने आगे लाइन देगा, मिडिल सी बिफोर एंड आफ्टर लाइन देगा, और फर्स्ट सी ये अपने आफ्टर ये अपने बाद में लाइन देगा। और सेपरेट ये सेम जैसे फर्स्ट हमने एग्जांपल दिया है, इस तरीके से ये लिखा जाता है सेपरेट। सेपरेट जब लिखा जाता है कि अगर वर्ड के लास्ट बी हो, यानी लास्ट लेटर से पहले अगर तुम सिक्स लेटर, कौन से सिक्स लेटर, अलीफ दाल दाल रा सा एंड वा, ये सिक्स लेटर में से लास्ट की फुल लेटर, यानी लास्ट लेटर से पहले अगर ये सिक्स लेटर में से कोई लेटर आता है, उस वक्त तो ये लेटर यानी कोई भी लेटर सेपरेट लिखा जाएगा, वो जॉइंट नहीं होगा, वो जॉइंट लास्ट भी हो, यानी लास्ट जो लेटर है उससे पहले वाला लेटर अगर सिक्स लेटर में से कोई है तो उस वक्त लेटर सेपरेट लिखा जाता है। ओके, आफ्टर सी मिडिल ज़ॉ, ज़ॉ भी सेम लिखा जाएगा, सिर्फ डॉट का फर्क है, नुक्ते का फर्क है, बाकी सेम जैसे और लिखा है इसी तरीके से ज़ॉ भी लिखा जाता है। नुक्ता ध्यान नहीं भूलेंगे, ये हुआ ज़ॉ। ऊपर की लाइन को टच नहीं होना है, आप अपनी सीरियल बुक के अंदर भी जब लिखेंगे तो ऊपर की लाइन टच नहीं होगी, यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर भी देख लीजिए, मैंने लाइन इसलिए छोड़ी है कि मेरे पास स्पेस नहीं है। जब आपके पास, जब आप सीरियल बुक के अंदर लिखेंगे तो आपको लाइन छोड़ के लिखना है। ओके, आफ्टर एंड ये एंड, देखो एंड किस तरीके से लिखा, ध्यान से देखो। ओके, आफ्टर फर्स्ट सिल एंड, फर्स्ट सिल एंड में किस तरीके से लिखे, हमने आपको पहले नोट बुक के अंदर बता दिया था कि एंड का इस तरीके से फर्स्ट सिल राइट होता है। यस, एंड इस तरीके से राइट करेंगे, ये एंड ऑफ फर्स्ट सिल, कौन सा सिल है, फर्स्ट एंड मिडिल सिल, ये हुआ मिडिल सिल। कुछ नहीं करना है आपको, जब आप राइट करेंगे ऊपर चले जाइए, इस तरीके से कर लीजिए, आपका एंड मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ये मिडिल सिल। लास्ट सिल इस तरीके से बनाए, और सेपरेट देखो मैंने लाइन के ऊपर सिर्फ ये जो सी जैसे वो लिया है, बाकी का नीचे वाला हिस्सा पूरा नीचे लिया है, आपको भी इस तरीके से कंप्लीट करना है। आफ्टर व्हेन, व्हेन, व्हेन को भी सेम इसी तरीके से ट्राई करेंगे, सिर्फ यहां पर डॉट का इफेक्ट है, यानी नुक्ता आएगा व्हेन के ऊपर, बाकी सेम जैसे एंड लिखा है सेम इसी तरीके से आपको है। यहाँ पर भी सेम है, सिर्फ डॉट का फर्क है, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से लिखेंगे वैन, और ये हुआ आपका वैन, ये फोर शेप आपके हो गए, कितने शेप हुए, फोर शेप, टॉप सॉ एंड वैन। अब आपको खुद से आप आपके पास एग्जांपल उसके बाद के जो लेटर है खुद भी अपनी रफ बुक के अंदर उन लेटर का शेप्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। कोई भी आप लेटर ले लीजिए, आपने सीन लिया तो आधी सीन के जो तीन लाइन है उसको ड्रॉ कर